बर्थडे केक काट लिया है अपना और अब मैं इसका एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ कि ये कितना ही सॉफ्ट, कितना ही अच्छा तैयार हुआ है। बना है और ये कम मीठा होता है, बर्थडे केक ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो जाएगा आज आई थिंक। इसके ग्रेन्स दिख रहे होंगे कितना ही अच्छे से क्लियर है। तो ये हो गया हमारा चीज केक। नीचे बिस्किट की लेयर है, देन ये क्रीम चीज की लेयर है। इसके ग्रेन्स वगैरह सब बहुत अच्छे से आए हैं। हेलो, सो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज केक। इंडिया में तो शायद लोग नहीं बनाते हैं, बट मैं इटली में हूँ तो क्यों नहीं ट्राई की जाए यहाँ की भी कुछ रेसिपीज, यहाँ की भी कुछ डेजर्ट्स। तो मैं आज बनाने वाली चीज़ केक, जिसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स की या सामान की, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको चाहिए एक बड़ा सा बोल ग्लास का हो या फिर आपके पास प्लास्टिक का हो। देन ये आपको पेपर चाहिए, एक बोल चाहिए छोटी, एक सीट चाहिए, देन मेजरिंग आपके पास वेइंग बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको अंदाज पता होना चाहिए कि कितने ग्राम आपको लेना है। आपको सिजर चाहिए, देन ये एक सेटअप है जो मैंने किया है। अदरवाइज इस ढोकला प्लेट की जगह पे आपको एक एक मोल्ड आता है जो कि आपका स्ट्रेच हो जाता है यहाँ से, अगर आप उसका नॉब खोलेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, अगर नॉब टाइट करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो चीज़ के लिए वैसा ही चाहिए था, मेरे पास था नहीं तो मैंने नीचे एक ढोकला प्लेट ली है और एक एल्यूमिनियम फॉइल की डबल शीट करके उसके अंदर बटर पेपर का शीट करके, देन एक छन्नी ली है मैंने आटा छानने वाली, उसको अंदर बटर पेपर से रैप कर दिया है। तो इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो दो लेयरिंग हो गई हैं, एक एल्युमिनियम फॉइल की हो गई है, फिर बटर पेपर की हो गई है, देन आपका ये छलनी है एंड फिर उसके अंदर एक और बटर पेपर की लेयरिंग है। तो ये पूरा सेटअप करना होगा आपको। तो अब सामान की क्या जरूरत पड़ेगी चीज़ केक बनाने के लिए वो बता देती हूँ। ये बिस्किट्स हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स हैं, अगर आपको क्रैकर टाइप्स के चाहिए हो तो आप क्रैकर वाले भी ले सकते हो। इसके अंदर चॉकलेट है जो मैं हटा दूंगी और ये जो क्रैकर आएगा इसका यूज़ करूंगी, इसको क्रश करके इसका बेस बनाऊंगी। तो हमको चाहिए होगा बिस्किट, देन ये है आपकी क्रीम चीज़, ये अलग टाइप का चीज़ होता है जो थोड़ा क्रीमी होता है और केक्स बनाने में यूज़ आता है। ये मैंने यहाँ का ब्रांड है वो लिया है क्रीम चीज़ करके और यहाँ पे बोलते हैं फॉर्माजियो फ्रेस्को। देन ये सार क्रीम, खट्टी क्रीम, और ये आप बेसिकली दही में नींबू डाल के भी आप बना सकते हो ये घर पे, उसकी एक अलग रेसिपी है, लेकिन ये वाली जो सार क्रीम है ये हमने ली है। देन हमने ली है चीनी, वैसे मैं चीनी का यूज़ करना बंद कर दिया है हेल्थ वाइज, बट अभी इसके लिए हमको यही चीनी चाहिए होगी, अराउंड 120 ग्राम, ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर चाहिए वनीला एक्सट्रैक्ट हमको, देन चाहिए हैवी क्रीम जो मैंने ऑलरेडी फ्रीजर में करके अच्छी ठंडी कर ली है, और ऊपर हमें ड्रेसिंग के लिए चाहिए रसबेरी, ये रसबेरियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं फ्रेश, अभी सीजन भी है, और लिया है लेमन, ये है कॉर्न स्टार्च। देन हमको चाहिए होंगे दो एग, हमको चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पे बटर, ये मैंने मेल्ट कर लिया है बटर, तो बटर चाहिए होगा हमको। तो ये सारा सामान था जो हमें चीज़ केक के लिए चाहिए स्पेशली। अब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ केक बनाने का प्रोसेस। तो ये जो बिस्किट थे मैंने उनको मिक्स कर लिया है, मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद ये अराउंड 120 ग्राम है, इसमें मैं डालूंगी 60 ग्राम मेल्टेड बटर, और बटर डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये ग्रेन्स जो बिस्किट के थे वो बटर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जो मोल्ड हमने तैयार किया था उसमें अब इसका बेस तैयार करेंगे अच्छे से, आपको बताती हूँ कैसे। तो जो हमने मोल्ड तैयार किया था उसी में इस बिस्किट का बेस तैयार करेंगे हम लोग, अच्छे से इसको फ्लैट कर देंगे उस मोल्ड के अंदर। तो इस मोल्ड में अच्छे से इस चीज़ को फ्लैट कर लेना है, साइड में थोड़ा थोड़ा ऊँचा रखेंगे बिकॉज जो चीज़ का बैटर होगा वो बाहर की तरफ ना निकल जाए और वो स्टेबल रहे इस बेस के साथ। तो हम थोड़ा सा साइड कॉर्नर से ना ऊंचा ऊंचा रखेंगे,
बाद में बेक होके हार्डन हो जाएगा और चीज केक को सपोर्ट देगा। तो आप देख सकते हो आप लोग कि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है साइड में भी, और इसको प्रेस कर दिया जिससे कि ये सपोर्ट दे सके चीज़ केक को ऊपर की तरफ। थोड़ा अब हम चीज़ क्रीम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए जो हमने चीज़ क्रीम लिया था वो हमें चाहिए 400 ग्राम। तो ये करीब हमारा है 150 ग्राम का एक पैकेट, तो ऐसा हम दो लेंगे और तीसरे का 100 ग्राम और लेंगे। तो ये हमारी चीज़ क्रीम है और यही एक्चुअली चीज़ केक का बेस होता है चीज़ क्रीम। इस क्रीम चीज़ को हमें थोड़ा सा मिक्स करना है बोल में। हम ऐड करेंगे शुगर 120 ग्राम, इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे जब तक ये एक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए आपस में। हम ऐड करेंगे अब सार क्रीम जो 200 ग्राम है, मेजर के हिसाब से ही है तो मैं पूरी ऐड कर दूंगी। पीक से बनने लगे हैं तो मतलब अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसमें हम लोग डालेंगे हैवी क्रीम, ये 100 ml का है तो 150 ml हमें डालने करीब। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी के साथ। अगर कॉर्नर में मिक्स नहीं हो रहा है अच्छे से तो हम स्पैचुला की मदद से सारा एक साथ करेंगे। इसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे। यू हैव टू ऐड अंडे करके ही अंडे ऐड करेंगे, दोनों एक साथ ऐड नहीं करेंगे। नाउ वी विल ऐड सेकंड वन। अब इसमें हम डालेंगे 2 tablespoons कॉर्न स्टार्च और फिर मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1.5 spoons के लगभग वनीला एक्सट्रैक्ट। यहाँ वनीला एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है ऐड। फाइनली ये बैटर अब तैयार है। अब इसको हम डालेंगे मोल्ड के अंदर और फिर हम बेक करेंगे इसको। अब हम लोगों ने ओवन को रख दिया है 180 degrees centigrade पे 30 मिनट के लिए, और फिर 30 मिनट के बाद 150 degrees centigrade पे रखेंगे। इसको पकाने के लिए हम इसमें हॉट वाटर ट्रे में ऐड करते हैं जिससे कि वो जले ना। चीज़ केक बहुत ही सॉफ्ट केक होता है तो वो जले ना, इस वजह से गर्म पानी इसमें ऐड किया है ट्रे में। चीज़ केक के बैटर को हम लोग इसमें डाल देंगे मोल्ड में, बैटर को इस ट्रे को इसके अंदर रख देंगे और इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे जो चीज़ केक हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने एक अलग से बोल में निकाला है। वैसे तरीका यही होता है जो मैंने 2 plate system बताया था। और अब ये दोनों केक तैयार हैं 150 degrees centigrade पे भी आधा घंटा पकाने के बाद, बेक करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए इसी ओवन में छोड़ देंगे, स्विच ऑफ। और फिर उसके बाद हम 1 घंटे इसमें ठंडा होने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। और हम कल देखते हैं अंकल के बर्थडे पे कि ये केक कैसे बने हैं, चीज़ केक हमारे। बाय। तो हमने जो चीज़ केक कल बनाया था वो ऑलमोस्ट सेट हो गया है फ्रिज में, करीब 12-13 घंटे हो चुके हैं। और उसके ऊपर हमें एक सॉस डालना है, ड्रेसिंग बनानी है, जिसके लिए हमने लिया है गर्म पानी। और ये जो रसबरी थी ये सारी हम गर्म पानी में डाल देंगे और इसके बाद इसको हम इसी में मिक्स करके अच्छे से फिर उसको सीव कर लेंगे, छान लेंगे। तो एक रसबरी का हमारा एक सॉस तैयार हो जाएगा इसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए। अब मैं दिखाती हूँ चीज़ केक निकाल के। तो चीज़ केक में मैंने ये ढोकला पेस्ट बनाने बाहर निकाल लिया है। देन इसके ऊपर मैंने एक बोल का शेप दिया था, वो जो शेप था वो बटर पेपर था और था आपका एल्युमिनियम फॉइल। तो इसको साइड से पहले हम स्क्रेप करेंगे गर्म चाकू से जिससे कि ये अच्छे से निकल जाए। अब ये धीरे धीरे हम नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये चीज़ केक हमारा थोड़ा सा निकल गया, कोई बात नहीं, बट हम इसको पूरा खोल देंगे। ये चीज़ केक ऑलमोस्ट डन है, बहुत ही अच्छी ये लेयरिंग आई है डाउन में एक क्रस्ट की। और फिर ये चीज़ केक है हमारा, ऊपर से ब्राउनिंग भी परफेक्ट है, जितनी ब्राउनिंग होनी चाहिए परफेक्ट है, एकदम ब्राउनिंग जितना होना चाहिए। ये एक लेयर है, ये भी चीज़ की लेयर है, देन दिस बिस्किट लेयर, एकदम परफेक्ट बना है। इतनी हार्ड हो चुकी है नीचे की लेयर बिस्किट की
कि वो परफेक्ट एक तरीके से प्रॉपर फ्रीज होके जम चुका है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि ये टूट जाएगा। अब इसको हम यहाँ रख देंगे, ये लेयर है परफेक्ट। दूसरा भी जो थोड़ा अमाउंट बच गया था, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से बैटर ज़्यादा था, तो जो अमाउंट बच गया था उसको मैंने एक बोल में कर दिया था सेट। ये भी हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से टैप करेंगे, तो ये चीज़ केक भी हमारा तैयार है। क्योंकि इसमें हमने एक बिस्किट की लेयर नहीं लगाई थी, इस वजह से ये ऐसा है। इसको हम उल्टा ही रखेंगे, इसको हम टर्निंग करेंगे, ये वाला हम ऐसे ही डेकोरेट करेंगे, तो हमारे तैयार है। इसके ऊपर जो ड्रेसिंग करूँगी मैं रसभरी की, वो आपको दिखाती हूँ मैं बाद में। सो दिस इज चीज़ केक पहला, इस पर भी मैंने रसभरी अच्छे से डेकोरेट नहीं की, मैं करूँगी डेकोरेट। और ये है अंकुर का फर्स्ट नहीं सेकंड केक, फर्स्ट इज कैरेट केक, तो एक ये केक होगी। दिस इज द सेकंड केक, चीज केक, और ये अंकुर का हो गया थर्ड बर्थडे केक। मेरा फर्स्ट चीज केक, और ट्राई किया मैंने बहुत अच्छे से बिना, loved it.